मुझे बुजुर्ग के चाल चलन का अंदाजा लग गया। वाह। बहरहाल नदीम भाई आज माशाल्लाह बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। पढ़ती हूँ उसमें मैं समाप्त फरमाए। उससे मिलने वाबा करो, उससे मिलने जाना है, वो तो मेरा दीवाना है। वाना है आँख नशीली है तौबा, आँख नशीली है तौबा, दिल उसका मैं खाना है, दिल उसका मैं ना है। और ये शेर मैं सिवान वालों के नजर करती हूँ, जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। पढ़ती हूँ समाप्त फरमाए। प्यार में उसके पागल हूँ, प्यार में उसके। अच्छा, सीटियाँ आप बजा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ती हूँ मैं समाप्त फरमाए। प्यार में उसके पागल हूँ, प्यार में उसके पागल हूँ, प्यार में उसके पागल हूँ, वो भी तो मस्ताना है, वो भी तो मस्ताना है। सच कहना अब मुश्किल है, सच कहना अब मुश्किल है, सच कहना अब मुश्किल है, सच कहना अब मुश्किल, ताना बाना है। और एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। कितना भी ताकतवर हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी ताकतवर हो, मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। और ये मक्ते का शेर इरशाद, पढ़ती हूँ समाप्त फरमाए। चांदनी शबनम तेरी है, चांदनी शबनम तेरी है, चांदनी शबनम तेरी है, चांद को ये समझाना है, चांद को ये समझाना है, उससे मिलने जाना है, वो तो मेरा दीवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नाज़िम मुशायरा ने कहा था कि चांदनी शबनम को बिहार के लोग
बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। चार मिसरे मैं आप तक पहुंचाती हूं, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सका वो बिहार के लोगों ने कर दिखाया। चार मिसरे आप तक पहुंचाती हूँ, समाज फरमाए। एक दिन ऐसा काम कर देंगे तेरा 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 दुनिया में नाम कर देंगे। एक दिन ऐसा काम कर देंगे तेरा दुनिया में नाम कर देंगे। हम बिहारी हैं हम से मत उलझो, हम बिहारी हैं हम से मत उलझो, वरना जीना हराम कर दे। और कुछ बढ़वाना है? नहीं नहीं, देखिए अमजद भाई ने मुझे इशारा किया है कि कुछ और पढ़वाया जाए चांदनी शबनम से, तो मैं चांदनी शबनम को बुला लिया। अच्छा, तो चांदनी शबनम को मैंने माइक पे बुला लिया है, लेकिन उन लोगों को ये इत्तला पहुंचाना चाहता हूं जो बिल्कुल बुत बने खड़े हैं, पलक भी नहीं झपक रहे हैं, आंखें खुली की खुली है। मैं बताना चाहता हूं कि जरा बीच बीच में पलक पलक झपकते रहिए, वरना कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो जरा पलक पलक झपकते रहिए ताकि आपकी जिंदगी का सबूत मिलता रहे। चांदनी शबनम माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुकम्मल गजल में और आप तक पहुंचाती हूँ, समाज फरमाए। ये फरेब है तेरा, ये फरेब है तेरा, बार बार होता है ये फरेब है तेरा, ये फरेब है तेरा, बार बार होता है। प्यार जिसको कहे जाने वालों को ये खबर नहीं होती, दूर जाने वालों को, अरे दूर जाने वालों को ये खबर नहीं होती, याद करने वालों को गजल की आप मुसलसल मेरे मैसेंजर में फरमाइश कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ो। अमजद भाई पढ़ती हूँ, समाज फरमाए। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशीं, वाह वाह वाह। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशीं, तूने मुझको बताया मजा आ गया। अच्छा, मेरे नौजवान भाइयों के साथ साथ मेरी बहनें भी मुस्कुरा रही हैं, मुसलसल मुझे इनकी दुआएं मिल रही है, पढ़ती हूँ, समाज फरमाए। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशीं, तूने मुझको बताया मजा आ गया। चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में, चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में, तूने सबको सुनाया मजा आ गया। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशीं, तूने मुझको बताया मजा आ गया। अभी बारिश हो रही थी, सारे लोग कोई मुशायरे का पोस्टर लेके उड़ रहा है तो कोई छाता लेके उड़ रहा है। उस वक्त मेरे जहन में एक मतलब हुआ। अच्छा, उसी वक्त हो गया। उसने बरसात में आग
के जज्बात में, उसने बरसात में आके जज्बात में भीगने से बचाया, मजा आ गया। उसने बरसात में आके जज्बात में भीगने से बचाया, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, हर एक लम्हा मोहब्बत के नाम करती हूँ, हर एक लम्हा मोहब्बत के नाम करती हूँ। जवा दिलों की मैं धड़कन हूँ, चांदनी हूँ मैं, जवा दिलों की मैं धड़कन हूँ, चांदनी हूँ मैं, बहुत अदब से मैं सबको सलाम करती हूँ, बहुत अदब से मैं सबको सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चार मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ, समाप्त फरमाएं। वसीम बरेलवी साहब की मौजूदगी में पहली बार मैं ये चार मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त फरमाएं। सबके रुख पर यहाँ ताजगी आ गई, अमजद भाई पढ़ती हूँ, समाप्त फरमाएं। सबके रुख पर यहाँ ताजगी आ गई, बज़्मों में आप आए खुशी आ गई, हक मोहब्बत का मैंने अदा कर दिया। अमजद भाई, चांदनी आ गई तुमने आवाज दी, चांदनी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अमजद साहब को एक बार मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मुशायरा वाकई बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है, डाइस पे बहुत ही मोतबर शोरा बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त बारिश की वजह से ख़राब हो गया। मैं गज़ल का मतलब